नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर न्यू वोको सीमेंट फैक्ट्री के बाहर ग्रामीणों का धरना जारी है। भावलिया में फैक्ट्री के बाहर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। फैक्ट्री का मेन गेट बंद करके ग्रामीण गुस्सा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधक पर वादा खिलाफी का आरोप है। ग्रामीणों का कहना यह है कि जमीन लेते समय नौकरी देने का वादा किया गया था। जमीन अधिग्रहण के दौरान प्रबंधन ने लिखित एग्रीमेंट भी दिया था, लिखित समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद युवकों को ऑनरोल जॉब नहीं किया गया है, ऑनरोल नहीं किया गया है। अब ऐसे में वादा खिलाफी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। घटनास्थल पर सदर थाना पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। तस्वीरें ये वहां से सामने आ रही है। ये मामला एक्चुअल में 9 मई से चल रहा है। मैं 9 मई को हमने गेट बंद किया था, इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन किया था। एसडीएम साहब और प्लांट हेड से हमारी बात हुई कि आपको 1 जुलाई तक हम जो बच रहे हैं उनको नौकरी देके ये काम पूरा करेंगे, लेकिन इस बीच हुआ ये कि काफ़ी डेट आगे बढ़ाते गए, काम कुछ हुआ नहीं। आश्वासन कर आश्वासन मिलता रहा, आज सभी ये परेशान होकर इस ये हमें कदम उठाना पड़ा। धरना प्रदर्शन, हमारे कुछ किसान भाई जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी, जिनके बदले में इनको आश्वासन दिया गया था कि प्रति घर एग्रीमेंट भी किया गया था, प्रति घर एक एक नौकरी दी जाएगी। जब हमने पिछली बार 9 मई को धरना प्रदर्शन किया था, उस टाइम पूरा आश्वासन दिया गया था कि 1 जुलाई तक आपको सभी को नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मैं शाहबाद का निवासी हूँ, मेरे गाँव माइंस के पास में आता है। उधर लगातार बड़े बड़े ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे पानी का जल स्तर भी नीचे जा रहा है और गांव में बड़े बड़े मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही है। इधर 2011 में जब प्लांट लगा था, तब इधर लिखित में इनको दिया था लेटर कि हम आपको ऑन रोल नौकरी देंगे। इधर के स्थानीय आदमी है जिन्होंने इसी प्लांट में जमीन दी है और कंपनी ने इनको लिखित में एक लेटर भी दिया है। सर 12-13 साल हो गए सर प्लांट को चालू हुए, अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी सर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित, बताया जा रहा है कि लिखित में समझौता होने के बावजूद वादा खिलाफी फैक्ट्री की तरफ से की गई है, सीमेंट फैक्ट्री बताई जा रही है। अब ऐसे में सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से क्या यहां पर अपने बयान में कहा जा रहा है? बताना चाहूंगा, प्रबंधन के साथ हमने बात करने की कोशिश की तो प्रबंधन ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया और ग्रामीण इसी बात को लेकर आक्रोशित है कि जब वो सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जब लिखित आश्वासन होने के बावजूद फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा लगातार वादा खिलाफी की जा रही है। जी अमित, अब जो यहाँ पर परिजन है जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिन्होंने अपनी जमीन बेची, उनकी तरफ से अब क्या मांग है, आगे क्या कुछ उनकी रणनीति रहने वाली है, क्या स्टेप उठा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी, ग्रामीणों ने अभी मुख्य गेट सहित 2 अन्य गेट भी बंद कर रखे हैं। इसी के साथ माइंस और जो इनके फैक्ट्री के डंपर चलते हैं उनको भी बंद कराया हुआ है। हालांकि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जारी है, परंतु ग्रामीणों को यही मांग है। इसमें बड़ी बात यह है कि आसपास की जो 3 ग्राम पंचायतें हैं, फाचर अहिरान, अन्या जोशी और टाई, इन 3 ग्राम पंचायतों के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है और वो ग्रामीणों के सहयोग कर रहे हैं। जी अमित, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके साथ समझौता हुआ था लिखित में कि उन्हें नौकरी दी जाएगी और जिनके खिलाफ ये वादा खिलाफी हुई है? कुल 16 परिवार इस समय मौजूद है जिनके खिलाफ यह वादा खिलाफी का प्रकरण है और 16 परिवार यहाँ पर मौजूद है धरना स्थल पर। जी अमित, अब परिजनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन उनका कब तक जारी रहने वाला है, फैक्ट्री के प्रबंधन के साथ वार्ता को लेकर कुछ उनकी तरफ से बुलावा भेजा गया हो या फिर कोई वक्त तय हुआ हो? नहीं, फैक्ट्री प्रबंधन का अड़ियल रुख देखने को मिल रहा है। सुबह से ग्रामीण धरना दे रहे हैं और इस समय 1 बजने करीब आ चुके हैं, परंतु फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से किसी तरह का अभी तक बुलावा नहीं दिया है। ये जरूर है जब मीडिया यहाँ पे पहुंचा तो उसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन में खलबली मची और हलचल देखी जा रही है। जी, फैक्ट्री प्रबंधन से क्या आपकी बातचीत हो पाई है, क्या उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई बयान सामने आ पाया है या फिर कुछ भी उनकी तरफ से कहा गया हो? नहीं, हमने उनका पक्ष रखने के लिए उनको कॉल किया था तो उनकी तरफ से कॉल लेटर का मैसेज आया। जी
जी ठीक है अमित, अब ये जो पीड़ित परिजन है उनकी तरफ से क्या कहना है, ये धरने पर कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे या फिर आगे और भी इनकी तरफ से कुछ कदम उठाए जाएंगे? ये दूसरी बार, इससे पहले 9 मई को भी ग्रामीणों ने धरना दिया था और बंद करवाई, गेट बंद कराया था। ये दूसरा टर्म है जो ग्रामीण मौके पर उपस्थित हुए और धरना दे रहे हैं। अब की बार ग्रामीण आर पार के मूड में लग रहे हैं। जी अमित, न्यू वोको ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, कब ये जो फैक्ट्री थी वो लगी थी, कब इसकी स्थापना हुई थी और उस वक्त जो है कितने जो परिवार हैं उनसे वादा किया गया था कि उन्हें नौकरी दी जाएगी? नहीं बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा, इससे पहले ये लाफार्ट था, लाफार्ट ग्रुप ने ये प्लांट स्थापित किया था, फ्रांसीसी कंपनी थी, उसके बाद इसको होली सेम ने टेक ओवर किया था और उसके बाद तीसरा जो ये नोवोको निर्मेक सीमेंट जो है, नोवोको ग्रुप है, उसने इसको टेक ओवर करके और इस प्लांट को अब रन कर रही है। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका फिलहाल अब तक की जानकारी के लिए। तो देखिए जो पीड़ित परिवार है वो लगातार यहाँ पर